हेलो गाइस, मैं अनुराग झा नॉलेज प्रोवाइडर चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम लोग 12th के इतिहास में दूसरा जो पार्ट है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय है उसके जो उसका जो पहला चैप्टर है, यानी कि आपके कुल इतिहास का 5वां चैप्टर, भारत इतिहास यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ, लगभग 10वीं से 16वीं सदी तक चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। और पहले सब ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पहले सब्जेक्टिव बता दीजिए, अब समय कम है। अरे भाई, हम सब क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है। जब तक एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम से गारंटी लेता हूँ मैं, 2 दिन पहले तक कंप्लीट आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, तहकीके हिंद के लेखक कौन है। तो तहकीके हिंद के लेखक आपको पता होगा, अलबरूनी है, ठीक है। अलबरूनी क्या है, तहकीके हिंद के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इबन बतूता द्वारा लिखित पुस्तक क्या है। तो इबन बतूता आपको पता होगा, रहेला लिखे थे, ठीक है। इबन बतूता द्वारा लिखित पुस्तक रहेला है। चलिए नेक्स्ट है, फ्रांसिस वर्नियर किस काल में भारत आया था। तो फ्रांसिस वर्नियर जो है ये मुगल वंश में जो है, मुगल का जो समय शासन था भारत में उस समय आए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा विदेशी यात्री पेशे से एक संगीतकार और नाटककार था। तो नाटककार कौन था, जी एस लिवी देव थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, डबल स्टार का। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा यात्री घोड़े का व्यापारी था। तो कौन सा यात्री घोड़े का व्यापारी था, याद रखिए, निकितिन भी था और नूनीज भी था, ठीक है। ये जो नाम है ना, नूनीज भी था। तो यहाँ जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य में राजदूत बनकर कौन आया था। तो पता होगा आप लोगों को, विजयनगर साम्राज्य में राजदूत बनकर कौन आया था, तो अब्दुल रज्जाक। क्या नाम था, अब्दुल रज्जाक। चलिए नेक्स्ट देखिए, यात्रियों के राजकुमार किसे कहा जाता है। तो यात्रियों के राजकुमार जो है हैंग सॉन्ग को कहा जाता है, ठीक है। ये चीनी यात्री थे ये, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। उसके बाद है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है। तो मध्ययुगीन यात्रियों का जो सरताज था वो मार्को पोलो को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, शाहजहाँ के दरबार में भारत आने वाला पहला यात्री कौन था। तो शाहजहाँ के दरबार में भारत आने वाला पहला व्यक्ति जो है आपका पीटर मुंडी थे, ठीक है, पीटर मुंडी। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो इबन बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किए थे, क्योंकि ये बहुत दिनों तक रह गए थे इनके दरबार में। तो कुछ भैया, आप ज़्यादा दिन रहोगे तो फिर इज्जत में तो कमी आएगी, तो चलो कुछ काम कर लो। तो इन्हें जो है कि दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया गया था, किसे, इबन बतूता को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आए थे। तो यहाँ जो है इबन बतूता, ये तो अफ्रीकी तो है ही नहीं, ये भी अब अलबरूनी भी अफ्रीकी नहीं, अब्दुल रज्जाक भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका कोई नहीं आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे। तो ये 1905 के 5 के आसपास आए थे, तो ये जो है जहांगीर के दरबार में आए थे, उस समय जहांगीर का शासन था। चलिए नेक्स्ट देखिए, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल नया है तो थोड़ा सा सपोर्ट तो चाहिए अभी आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए फॉरगेटन एम्पायर के लेखक कौन है। तो ए फॉरगेटन एम्पायर के जो लेखक हैं वो हैं रॉबर्ट सिवेल। और मैं वादा करता हूँ आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज लाता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, एस्टूरियो द मोगर का लेखक कौन है। एस्टूरियो द मोगर के लेखक मनुची हैं, ठीक है, ये याद रखिए, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है गेस है एक तरह से, तो और जो ट्रिपल स्टार जिसमें मैं लगाऊँ उसको पक्का लिख लीजिए, ठीक है, एक बार, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा यात्री रूसी निवासी था। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो है गिरासिम जो था, गिरासिम क्या था, रूसी निवासी था, ये याद रखिएगा, गिरासिम क्या था, रूसी निवासी था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इबन बतूता अपनी यात्रा विवरण किस भाषा में लिखे। तो इबन बतूता जो है अपना यात्रा विवरण जो है अपनी अरबी भाषा में लिखे थे, ठीक है, ये याद रखिएगा, इबन बतूता अरबी भाषा, ठीक है, क्योंकि कुछ इनके बुक के भी नाम दे देंगे, जैसे रहेला किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा ये अरबी भाषा में लिखते थे, तो अरबी। चलिए नेक्स्ट है, मध्यकाल में भारत आने वाले किस यात्री ने पहली बार पुराणों का अध्ययन किया। तो मध्यकाल में जो भारत आए उनमें से जो अलबरूनी थे, अलबरूनी ने क्या किया था, पहले पुराणों का अध्ययन किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
1333 से 1342 तक कौन से यात्री भारत में रहा? तो आपको पता होगा इबन बतूता बहुत लंबे समय तक रह गए थे, इसलिए इनको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहमनी शासक मोहम्मद शाह तृतीया के शासनकाल में भ्रमण करने वाला यात्री कौन था? तो बहमनी शासक मोहम्मद शाह तृतीया के शासनकाल में जो है अफनासी निकितीन, ठीक है, अफनासी निकितीन जो है यात्री थे। उसके बाद है हिंदुस्तानी ग्रामर के लेखक कौन है? तो हिंदुस्तानी ग्रामर के लेखक कौन है, यहाँ पे G.S. लिविचेव। और दोस्तों यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपको बोर्ड एग्जाम देनी है, तो कम से कम आपको लेखक और पुस्तक के नाम तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा यात्री तोपची था? तो तोपची कौन सा यात्री था? मनुची, ठीक है, मनुची क्या था? तोपची यात्री था, ठीक है। निम्न में से कौन सा यात्री औरंगजेब के शासनकाल में नहीं आया? तो औरंगजेब के शासनकाल में देख लीजिए, पीटर मुंडी नहीं, उसके पीटर मुंडी तो शाहजहां के शासनकाल में आया था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीटर मुंडी जो है ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अजाइबुल अबसार का संबंध किससे है? तो अजाइबुल अबसार का जो है संबंध रहेला से है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, और इसको इस 23 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।